आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बस आप जानना चाहते हैं कि मानवी ने अपनी बहन को खून क्यों नहीं दिया? हाँ विराट, मैं जानना चाहता हूँ कि मानवी ने अपना खून क्यों नहीं दिया। नहीं विराट, विराट रुक जाओ। नहीं मानवी, भाई को चुप करवाने के लिए इन्हें सच पता नहीं होगा। हाँ विराट, मैं जानना चाहता हूँ, बताना मुझे सच्चाई क्या। अरे मानवी अपना खून किसी को दे ही नहीं सकती है। क्यों नहीं दे सकती विराट? क्योंकि उसको कैंसर है। अरे खून का रिश्ता कहती हो ना तुम? कैसा खून? अरे कौन सा रिश्ता? यू नो तुम्हारा खून जीविका के लायक ही नहीं। भगवान करे कि तुम जैसी मैं किसी को ना मिलूं। छुपाने के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं जीजू प्लीज, मैं बस आपको दर्द नहीं देना चाहती थी। और ये दर्द जो मुझे अभी हो रहा है उसका क्या? मैं तो तुमसे इतनी नफरत करने लग गया कि जीविका को वहां से यहां लिया, और यहां मेरे बर्ताव को देखकर जीविका एक काम करते हैं, जीविका को सारी सच्चाई बता देते। विराट, मैं तो जीजू का गुस्सा और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पता है वो अपनी जगह सही है, पर वो क्यों नहीं समझते? उनका बिहेवियर मुझे हर्ट करता है। वो मानवी, मुझे लगता है तुम ऋषिकेश वापस जाना चाहिए। ये बुआ और जीजू तुम्हें ताने देते हैं ना, लाइक है। तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। नहीं विराट, तुम समझ क्यों नहीं रहे? जब तक ऐसी हालत में मैं उन्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती विराट। ये कौन सी हालत में मानवी? क्या हुआ उनको? उनकी चोट दो दिन में ठीक हो जाएगी। अपनी हेल्थ देखो यार, तुम्हें क्या है तुम्हें पता? नहीं पार्टनर, मैं दी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए मत। आई कांट सी ऑल दिस विराट, प्लीज। मानवी जी, आपको वीरन जी ने बुलाया है स्टडी रूम में अर्जेंटली। मानवी, तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। पर जीजू, देखो मानवी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। प्लीज अपना सामान यहां से उठाओ और जाओ यहां से। बाहर एक ड्राइवर खड़ा है, वो तुम्हें ऋषिकेश तक छोड़ देगा। जब तक तुम यहां पर रहोगी ना, तब तक जीविका की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। और मैं उसकी तबीयत को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हेल्थ के बारे में वरी करने के बजाय वो ये सोच रही है कि पता नहीं क्यों मानवी ने उसे खून देने से इनकार कर दिया। कोई छुपा हुआ राज ढूंढ रही हूं। प्लीज, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन मेरी बात नहीं सुन रही। तुम जाओ यहां से।
हैरानी होती मुझे सोचकर कि दो बहनों में इतना फर्क कैसे हो सकता है। बड़ी बहन इतनी बुरी हालत में भी अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रही है, और वहां छोटी बहन बड़ी बहन मरने की हालत में लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के लिए, एक छोटे से डर के लिए उसे मरता छोड़ गई। Enough. बिना सच जाने किसी के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरों की फीलिंग्स के बारे में केयर करना सीखो। फीलिंग्स अब राठ। अरे हाँ, मैं तो भूल गया कि मानवी ने तुम्हें वकील अपॉइंट किया हो मुझसे बहस करने के लिए। I'm so sorry, मानवी, मैं काम करता हूँ, तुम्हारे वकील से डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। तो वकील सर, आप मुझसे फीलिंग्स की बात कर रहे थे, मुझे एक बात बताइए, आपके क्लाइंट की फीलिंग्स कहाँ गई जब उनकी बहन मेरी पत्नी आईसीयू में मरने की हालत में थी? उसके पीछे कोई रीजन था। रीजन था? एक बहन आईसीयू में मर रही है, उसकी दूसरी बहन उसे खून देने से मना कर रही है, आप मुझे कहना चाहते हैं कि उसके पीछे एक रीजन था? वक्त आने पर आपको खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। देखिए विराट, मुझे कैरेट दिखाकर ना भटकाने की कोशिश मत कर। तू और मैं अच्छी तरह से जानते कि कोई रीजन नहीं था, और अगर तुझे इतना ही फर्क पड़ता ना तो एक काम कर, ड्राइवर को रहने दे, खुद जा और ऋषिकेश छोड़ा, ठीक है? एक बहन को अपनी बहन से आप अलग नहीं कर सकते। प्लीज विराट, चीजों के साथ और बहस मत कर, प्लीज। नहीं मानवी, भाई गलत है, और जब तक मैं इस घर में हूं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस घर में यहां विराट, तू ये सब कुछ इसलिए कह रहा है ना क्योंकि तू इस घर का बेटा है। इस घर में तेरा उतना ही हक है जितना मेरा है ना, हक जता रहा ना अपना, यही करा ना तू विराट? आप इस बात को अलग टैंजेंट में लेके जा रहे हो। मैं कोई अलग टैंजेंट में नहीं लेके जा रहा विराट, एक बात तू समझ ले, इस घर में मेरे होते हुए मानवी नहीं रहेगी। एंड यू गेट दैट विराट? आप फालतू में इस बात को आगे बढ़ा रहे हो, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैं हाइपर नहीं हो रहा विराट, एक बात तू कान खोल के सुन ले, अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। एंड आई होप विराट यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। बस आप जानना चाहते हैं कि मानवी ने अपनी बहन को खून क्यों नहीं दिया? हाँ विराट, मैं जानना चाहता हूँ कि मानवी ने अपना खून क्यों नहीं दिया। नहीं विराट, विराट रुक जाओ। नहीं मानवी, भाई को चुप करवाने के लिए इन्हें सच पता नहीं होगा। हाँ विराट, मैं जानना चाहता हूँ, बताना मुझे सच्चाई क्या। आपको क्या लगता है मानवी अगर जीविका भाभी को खून देती तो उनकी जान बच जाती? ऑफ कोर्स विराट, नो दैट्स रॉन्ग। अरे मानवी अपना खून किसी को दे ही नहीं सकती है। क्यों नहीं दे सकती विराट? क्योंकि उसको कैंसर है। मानवी कितने मुश्किल दौर से गुजर रही थी और हम लोग उसे गलत समझते रहे, और सच तो कुछ और ही निकला। प्लीज मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ता हूं, आप लोग मानवी की बीमारी के बारे में जीविका भाभी से मत बोलिएगा।
मान भी नहीं चाहते कि उसकी बहन को उसकी बीमारी के बारे में पता चले। शिविका भाभी सह नहीं पाएंगी, इसी वजह से माननी आज तक सब कुछ सहती है। प्लीज प्लीज विराट, अपने भाई को गलत मत समझना। वो जज्बात में आकर क्या किया ऐसा? उसे मानवी की बीमारी के बारे में पता नहीं था ना, इसीलिए। मुझे शुरू से ही लग रहा था मानवी के खून न देने के पीछे जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन वो मजबूरी ये होगी कभी नहीं सोचा था। सच का खुलासा तो हो गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर वीरेन पर होगा। नॉर्मली वो किसी भी इंसान को पहचानने में गलती नहीं करता, लेकिन इस बार उसे गलती हो गई, इसलिए सबसे ज्यादा अफसोस उसे होगा। चीचू मैं क्या मान ली? मैं दी को खून नहीं दे सकती। अरे खून का रिश्ता कहती हो ना तुम? कैसा खून? अरे कौन सा रिश्ता? क्यों तुम्हारा खून शिविका के लायक ही नहीं। भगवान करे तुम जैसी मैं किसी को ना मिलूं। जिस वक्त तुमने खून देने से मना किया था ना, बस उसी वक्त से तुम्हारा और शिविका का खून का रिश्ता खत्म हो गया। आज के बाद ना तुम जीविका को थी ना मुझे जीजू कह के बुलाओगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बताया क्यों नहीं? चीज को नहीं बताया? अरे क्यों मेरी नफरत सहती रही ऐसे? मुझे लगा दीको लेके ऑलरेडी इतने परेशान हो तो मैं अपनी बीमारी के बारे में बता के आपको आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। एक थप्पड़ मारूंगा तो होस्टिक आने आ जाएगी तेरे। अरे क्या समझती है तू अपने आप को?
बहुत बड़ी होगी। जीविका से बड़ी होगी, मुझसे बड़ी होगी। अरे तो क्यों हमारी परेशानी अपने गले ले ली? अरे पगली, तूने हम बड़ों को छोटे होने का एहसास दे दिया यार। नहीं जीजू, सॉरी सॉरी, बात छुपाने के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं जीजू प्लीज, मैं बस आपको दर्द नहीं देना चाहती थी। और ये दर्द जो मुझे अभी हो रहा है उसका क्या? मैं तो तुमसे इतनी नफरत करने लग गया कि जीविका को वहां से यहां लिया, और यहां मेरे बर्ताव को देखकर जीविका एक काम करते हैं, हम जाके जीविका को सारी सच्चाई बता देते। चलो। नहीं 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 जीजू, मेरे मना करने के बावजूद विराट ने आप सबको बता दिया, पर जीजू मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दीदी को कुछ मत बताना। जीजू वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। प्लीज जीजू, दीदी को आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप दीदी को कुछ नहीं बता, आप मेरे से प्रॉमिस करो, दीदी को नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे। जीविका को ये तो बता सकते हैं ना कि मैं तुम सभी नाराज नहीं हूं। नहीं जीजू, दी तो अभी सो चुकी होंगी ना, उन्हें उन्हें इस वक्त जगाना ठीक नहीं है। हम सुबह बताएंगे ना? पक्का पक्का। जीजू प्लीज प्लीज, दोबारा ऐसी बातें मत बोल। आपको पता है मैंने वो सारी बातें कब का अपनी मेमोरी बैंक से डिलीट कर दी है। सच बोल रही हो? आपको मेरा दिमाग खोल के देखना है, स्क्रू ड्राइवर लाओ। पर जीजू आपको एक बात बोलू, एक चीज है जो मैं हमेशा अपने दिमाग में सेव करके रखूंगी, कि आप जैसा पति इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। जीजू दी के लिए आपका प्यार, आपकी चाहत, आपकी वो तड़प, जीजू सच में आप जैसे पति नहीं मिल सकता किसी को। जीजू जीजू मैं हमेशा बोलती थी कि आप दी को पाके लगे हो, पर आज मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करना चाहती हूँ। दी आपको पाके लगी है जीजू, आप जैसा पति ना हर लड़की को मिले, हर लड़की को, और हर जीजू को तुम्हारी जैसी साली मिले। ऐसा मानना पड़ेगा, तुम्हारा स्टाइल बड़ा अच्छा है। बिंदास। हाँ क्या ना, मैं भी अपनी एक ही वैरायटी हूँ, और मेरा स्टाइल मेरे साथ ही मरेगा। जीजू आपको पता है ऊपर वाला बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं कितना सॉलिड तरीके से पकाती हूँ। अगर उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया ना, तो मैं चपड़ चपड़ करके बोल बोल के उन्हें इतना पका दूंगी ना, उन्हें पता है इतनी आसानी से मैं नहीं जाने वाली। डोंट वरी। Such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.